नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है। एक सेकेंड, क्या हुआ? अरे वो पीछे दो मिनट भाई। हाँ हो गया। अरे तो क्या मेरे बाप की तीसरी शादी के लिए रुके हुए हो? जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ। गुस्सा नहीं अनूप, गुस्सा नहीं, डिस्को दीवाने। आहा आहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। दोस्तों आज का एपिसोड काफी दर्दनाक मौतों से भरा हुआ है। मंगल गांव में एक छोटे परिवार के छोटू की चड्डी में फटने वाला अनार डालकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। हम सबको आसमान में आतिशबाजी देखना तो बहुत पसंद है, लेकिन वही आतिशबाजी किसी की चड्डी में हो जाए तो दर्दनाक मौत होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है छोटू की छोटी सी कहानी, आइए देखते हैं। ये अनुज सोनी फिर से ज्ञान देने आ गया। उसका नाम अंकित सोनी है। अरे तुम दोनों क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? मंजीत सोनी है उसका नाम। उसका नाम कुछ भी हो, वो तो ज्ञान पेल के चला जाएगा। अब क्रिमिनल्स को तो हमें पकड़ना है ना। वैसे उसका नाम नमकीन सोनी है, कहीं पे पढ़ा था मैंने। मंजीत सोनी ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, हाँ, वो यकीन करने लायक है। जो भी है इधर ध्यान दो। एक बच्चे छोटू की छोटी चड्डी में किसी ने फटने वाला अनार डालकर हत्या कर दी है। सर ये छोटू ज्यादा छोटा था कि चड्डी ज्यादा छोटी थी? शायद चड्डी ज्यादा छोटी थी। मतलब उसका नाम छोटू चड्डी था? अरे छोटू उसका नाम था और चड्डी उसने पहनी थी। अच्छा, पर्सनल मामला लगता है। पर्सनल तो है ही, चड्डी के अंदर तक बात पहुँची है। बात क्या, अनार पहुँचा है, वो भी फटने वाला। अली तुम क्या सोच रहे हो? सर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, ये जो चड्डी के अंदर अनार जलाया है ये फुलझड़ी से जलाया होगा। अली बेवकूफ, उसकी हत्या की है, चड्डी में दिवाली नहीं बन रही थी उसकी। जो भी है मामला आपसी लगता है, बच्चे के घर वालों में से शायद किसी ने ये किया है। चलो आओ पूछताछ करते हैं। इनके घर का माहौल अभी बहुत नरम और उदासी से भरा होगा, इसलिए तुम भावनाओं में खोना मत, हमें हर एक को शक की नजर से देखना है। जी सर। आप छोटू के पापा है? अरे अरे सर सब ठीक हो जाएगा। सर मुझे इस पे शक है, चल मेरे साथ बुड्ढे। अरे अरे रुको, बता अब बुड्ढे। अरे अरे थोड़ा धीरे मारो यार बेचारे को। चल बुड्ढे अब बता दे फटाफट, तूने क्यों मारा बच्चे को? मैंने नहीं मारा किसी को। ज्यादा चालाकी सूझ रही है, एक काम करो चुलबुल को भेजो। तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। चल अब मुझे बता किस बारे में बातें हो रही है। सलमान हमें शक है इसने इसके बच्चे को मारा है। तो फिर मुझे ये बता तूने क्यों मारा है, वरना ये तेरे मुंह में डाल के फिर से निकाल लूंगा। सलमान तुम्हें पता है ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, चल अब बता। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। चलो मैंने वो आदमी को मारा है। मैंने सपने में देखा मुझे एक बुड्ढे आदमी ने मार दिया। चालाकी वो भी मुझसे, कोई जरा लाठी लेके आओ। लाठी? अरे लेकिन क्यों? सर आप भावनाओं में मत भेजिए, हमें हर एक को शक की नजर से देखना है। आ गई मेरी लाठी, अब मैं इसमें इतने छेद करूंगा, इतने छेद करूंगा कि मुझे लगता है उस बुड्ढे ने कुछ नहीं की। हाँ मैंने किया है, मैं कबूल करता हूँ। काम पूरा हुआ। कोई बात नहीं सर, ये क्राइम पेट्रोल है, 99% एपिसोड में घर के लोग क्रिमिनल निकलेंगे। दोस्तों परिवार में आपसी झमेले तो होते ही रहते हैं, पर क्या इन्हीं झमेलों के कारण हम दिल में जहर पालकर रिश्तों की रंजिशें तोड़कर एक दूसरे का कत्ल? अबे ये क्या हिंदी व्याकरण के टीचर से लिखवाया है? तू पढ़ना चुपचाप। ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, पढ़ चुपचाप। ठीक है दोस्तों, आज एक छोटे से छोटू का परिवार और छोटा हो गया। एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, क्या वजह होगी, क्या होगा अब छोटू के परिवार का? आंटी जी, आंटी जी इधर देखिए। क्या होगा अब इनका, कौन करेगा मदद अब इनकी? और ये पैक अप। चल रे बदसूरत ठुड्डी, अब सच बता तूने अपने बच्चे को क्यों मारा? तो मैं छोटू का सोतेला बाप हूँ, उसकी और मेरी आपस में कभी नहीं बनती थी। हर दिवाली वो मेरी लुंगी में सिंगाड़े वाला बम फोड़ता था, मेरी टुई पूरी लाल हो जाती थी। लेकिन एक दिवाली सिंगाड़ा बम तो फटा, लेकिन उसके साथ और भी कुछ फटा। एक फट से आवाज आई,
मेरी लुंगी से मेरे कंचे ही गायब हो चुके थे। मेरे कंचों की यादों में मैं बहुत रोया। डॉक्टर ने भी बोल दिया था अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ लगवा लिया। हाँ जैसे अब तो बड़े सुंदर लग रहे हो तुम। एक सेकंड, अगर वो उसकी ठुड्डी नहीं है तो फिर मैंने क्या पकड़ा था? छी, मैंने सोच लिया था मैं उस सड़ेले छोटू से बदला लेके रहूंगा। कंचों का बदला कंचों से होगा। कोई कंचे खेल रहे हैं यहाँ पे? मैं सबको हरा सकता हूँ। विकी नहीं, दूसरे कंचों की बात हो रही है। ओह, पर मुझे नहीं पता था अनार बहुत जम से फटता है। छोटू के कंचे क्या आधा धड़ी उड़ गया। कितने वाहियात आदमी हो तुम। मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझता था। कोई बात नहीं सर, मैं इन्हें आइसक्रीम दिला के लाया। अरे मुझे अभी याद आया, मैंने तो बिना हाथ धोए ही खाना खा लिया था। तो देखा आपने, कंचों की मारामारी में अक्सर हम अपनों को खो देते हैं। मैं तो उस अनार के बारे में सोच रहा हूँ, उस पे क्या बीती होगी, उसे किसी की चट्टी में फूटना पड़ा होगा। खैर दोस्तों, आप लोग सावधान रहे और सेक्सी ओ सतर्क रहे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में।